जब से एकता कपूर ने नागिन 4 के टीजर वीडियोस जारी किए हैं, तब से लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे शो की कहानी क्या होगी और वृंदा की ये प्रेम कहानी आगे कैसे बढ़ेगी वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा फैंस के जहन में एक और सवाल है कि आखिर नागिन के इस चौथे सीजन में कौन बनेगा नागराज। जी हाँ, तो वैसे में इस सवाल से पर्दा उठाती हुई एक खबर सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस सुपरस्टार की एंट्री नागिन 4 में अब हुई है, उसका नाम है एक्टर शालीन भनोट। जी हाँ, वेबसाइट टेलीचक्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि एक्टर शालीन इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। खबरों के मुताबिक इस बार शो में एक दो नहीं बल्कि 4 नागिनें दिखाई देंगी। ऐसे में मुमकिन है कि नागिनों के बीच एक नागराज भी होगा। और अब इसी दौरान चर्चा होने लगी है कि एक्टर शालीन भनोट नागराज के तौर पर शो में दिखाई देंगे। वैसे आपको बता दें, इस वक्त शालीन कलर्स के ही शो राम सिया के लवकुश में रावण का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि नागिन 4 को लेकर मेकर्स उनसे बातचीत कर रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार नागिन 4 में शालीन शो के नए नागराज बन सकते हैं। वैसे अगर बात करें पिछले सीजन की, तो एक्टर पर्ल भी पुरी शो के लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे और इस शो में उनकी और सुरभि ज्योति की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार भी मिला था। हालांकि इस शो में माहिर को नागराज के तौर पर देखने का मौका दर्शकों को नहीं मिला था। ऐसे में मेकर्स इस बार ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस सीजन में लीड एक्टर को नागराज बनाया जाए। बात करें अगर शालीन की, तो वो शो के नागराज होंगे या नहीं ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसे में निया शर्मा और शालीन के रूप में ऑडियंस को टीवी की एक बिल्कुल फ्रेश जोड़ी देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं कि नागिन 4 के हीरो के लिए शालीन के नाम पर मोहर लगती है या नहीं। मगर फिलहाल इस खबर पर क्या कहेंगे आप, क्या है आपका रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।